नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भौगोलिक रूप से राज्य के सबसे बड़े जिला पश्चिमी सिंहभूम में स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से चुनौती रही है। जिला प्रशासन टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा है। जिले में सबसे बड़ा अस्पताल सदर अस्पताल ही है, जिस पर 18 प्रखंडों की लाखों जनसंख्या निर्भर करती है। सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भी अधोसंरचना की कमी की वजह से लोगों का बेहतर इलाज यहां नहीं हो पाता है, लेकिन अब टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से इन अस्पतालों की अधोसंरचना की कमी को पूरा किया जाएगा। आज इन्हीं उद्देश्यों को लेकर टाटा स्टील और पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त अनन्य मित्तल ने MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद बताया कि अस्पतालों में जो भी अधोसंरचना या उपकरणों की कमी है, उसको पूरा करने की दिशा में यह बड़ी पहल है। आज टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ CSR के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेसिंग के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसमें हम लोगों को 5 साल तक सारी यहाँ पर हेल्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने का जिम्मा लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इक्विपमेंट्स और CT स्कैन मशीन्स इत्यादि को भी सुदृढ़ करने का, साथ ही साथ सिविल वर्क करने का, कहीं पर अगर सोलर की व्यवस्था नहीं है या बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में उनकी पूरी टीम हम लोगों के साथ रहकर उसका जायज़ा लेकर 5 वर्षों में पूरे हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने का प्रण लिया है। कितना फ़ायदा मिलेगा सर जिले को इसका? हेल्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस संबंध में प्राइवेट कंपनीज का इस तरीके से MOU करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा प्राप्त। पूरे जिले में इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के प्रमुख डॉक्टर अनुज भटनागर ने MOU पर हस्ताक्षर किया। डॉक्टर भटनागर ने बताया कि MOU के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक चैम्बासा सदर अस्पताल समेत चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल अस्पतालों में सभी प्रकार के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों को फाउंडेशन मुहैया कराएगा। प्लान ये है कि टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से एक पहल हुई है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला में हम लोग स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्रयास होगा अगले 5 साल में। और जैसे भी अभी आपको जो बताया गया है, इसमें ना केवल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होगा, इसमें ना केवल बेड्स होंगे, एडिशनल बेड्स होंगे, इसमें ये भी कोशिश, एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो ये भी होगा कि जो ज़िला में बेड अवेलेबिलिटी है, जो एक बेड की कैपेबिलिटी होती है हॉस्पिटल बेड्स की, उसको भी एक डायरेक्ट तौर से बढ़ाया जाए। तो एक बहुत मेजर फ़ायदा होगा पूरा ज़िला के सभी नागरिकों को। और टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से हमारी ये भी एक कोशिश रहेगी अगले 5 साल में कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा दीदी हैं हमारी और हमारे ANM हैं और भी अगर कोई टेक्नीशियंस हैं जिनको कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अपस्किलिंग की ज़रूरत है, तो उसमें भी जो है टाटा स्टील फाउंडेशन उसमें जो कंधे से कंधा मिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेगा। तो ये जो आपका प्लान है, या ये क्या PSC लेवल पर भी ये करना है आपको क्या? हाँ, ये अभी हमने इसकी शुरुआत की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और 2 अन्य जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक जगन्नाथपुर में और एक चक्रधरपुर में। तो ये 3 से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इनको अपग्रेड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे टाटा स्टील फाउंडेशन अपना योगदान दे। क्या बजट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का? अभी फ़िलहाल का बजट जो है, जो इक्विपमेंट आ रहा है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के बीच में ये बजट आ रहा है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे CT स्कैन भी लगाएंगे, उसका खर्चा अलग आएगा। टेक्नीशियन वगैरह का कमी रहता है यहाँ पर? जी, टेक्नीशियन वगैरह का कमी रहता है, CT स्कैन मशीन है लेकिन वो अल्ट्रासाउंड मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है। तो उसमें टाटा स्टील फाउंडेशन जो है वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर
एक इस तरीके का प्लान मॉडल तैयार करेंगे जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हमारे टेक्नीशियंस हैं अगर उनको कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो वो भी हम देखेंगे कि उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम कैसे दे सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जैसे पिछड़े और दुर्गम इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी तो है ही, कुपोषण जैसी समस्या से भी वर्षों से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन के बीच हुए MOU का आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर होने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक एक भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। सरकार के इस तौर तरीकों से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों की तरह उन्हें भी MCP का लाभ दिया जाए। शिक्षक सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक बार भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला। संघ के जिला महासचिव उपेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमारी मांग है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। इसके अलावा अंतर जिला स्थानांतरण के नियम में शिथिलता लाई जाए और नियुक्ति तिथि से Grade 1 में लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं करती है तो एक दिवसीय धरना दिया जाएगा और फिर भी कोई पहल नहीं की गई तो राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा। सदर बाजार स्थित विश्वकर्मा मार्केट में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। समाज सेवी एवं कला प्रेमी श्यामल दास द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उनके द्वारा लिखित गोदान, कफन जैसे अनमोल पुस्तक एवं कहानियों ने समाज को एक संदेश दिया। आज समाज को उनके रचनाओं को पढ़ना और समझना चाहिए, अपने आचार विचार और व्यवहार में शामिल करना चाहिए। मुंशी जी ने कहा था, कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता, कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। पश्चिमी सिंहभूम में शहद उत्पादन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले के 4 प्रखंडों के 8 गांव के 150 किसानों को शहद उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। जिले के 4 प्रखंड टोंटो, खोटपानी, गोलकेरा और सुनवा 8 गांव के 150 किसानों के लिए मधु उत्पादन सह प्रसंस्करण परियोजना की शुरुआत की जा चुकी है। इस परियोजना की सफलता से जिले में शहद उत्पादन को आजीविका के एक बेहतर और क्रांतिकारी विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारतीय लोक कल्याण संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। यह संस्था प्रशिक्षण के साथ साथ किसानों को किट भी उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में किसानों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका,
रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मझगांव प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक हुई। झारखंड सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन होगा और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को कई योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ भी मिलेगा। इसकी तैयारी को लेकर आज बंदगांव प्रखंड कार्यालय में BDO गिरजानंदन किस्कू ने पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक किया। मौके पर BDO ने शिविर में मिलने वाले योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों को इसकी जानकारी देने और शिविर में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। सेव द चिल्ड्रन की ओर से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 18 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। ज़रूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिल सके, इसी उद्देश्य से सेव द चिल्ड्रन की ओर से 1 से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में दान उत्सव मनाया गया। इसी के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के मतकम हातू पंचायत भवन में रोजगार दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुखिया जुलियाना देवगम ने कहा कि पंचायत में विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता तय करते हुए योजनाएं बनानी है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मोहल्ले की समस्याओं को अंकित कराएं ताकि समय पर कार्य की शुरुआत हो सके। ऑल इंडिया DSO की नगर कमेटी द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सत्र काफ़ी विलंब है। समय पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण सभी विद्यार्थी BEd का नामांकन फॉर्म भरने से वंचित हैं। नामांकन पोर्टल को फिर से खोला जाए और स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को अपेयरिंग के तहत फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।